फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपना एक पबजी का छोटा सा गेम प्ले। तो दोस्तों, मैं काफी टाइम से इस गेम को नहीं खेल रहा था, मैंने इस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन यार कल पता नहीं सडनली मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इस गेम को फिर से इंस्टॉल कर लिया। और इंस्टॉल करके जैसे मैंने अपना पहला जो गेम खेला वो खेला मैंने सैनहॉप मैप में, और मैं उतरा बूट कैंप, और उसके बाद क्या होता है आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं कभी नहीं करता, इस वीडियो में दोस्तों मेरे जितने किल होंगे उतने आप मेरे वीडियो पे लाइक कर दियो। और भाई, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि यार मैं कभी ना तो सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ अपने वीडियो को, ना ही कभी लाइक करने के लिए कहता हूँ। यार फिर भी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर गेम प्ले अच्छा लगे और आप लोगों को एन्जॉय आए, मतलब मज़ा आ जाए, तो यार लाइक कर दियो, और जितने किल हों उतने ही मेरे को लाइक दे दियो। तो चलिए मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन पर दिखाता हूँ, शायद वैसे तो आप लोग अच्छे से इसको नहीं देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सैनहॉप मैप को सिलेक्ट कर लिया और मैं उतरूंगा यहाँ पे बूट कैंप की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया कि देखते हैं बूट कैंप में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो भी इसके रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स होगी उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूंगा, और साथ में आप लोगों को एक गेम प्ले भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उतरते हैं बूट कैंप पे। तो दोस्तों, इस गेम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और ट्रिक यही है कि आप लोगों को सबसे पहले जहां भी लैंड कर रहे हो वहां पे सबसे पहले उतरना होता है, ताकि आप लोगों को जल्दी से वेपन्स मिल सके। तो दोस्तों, ये देखिए मैं यहां पे उतर गया, और बाप रे, अभी बंदे यहां पे उतर ही रहे हैं। तो ये उतरेंगे तब तक मैं यहाँ पे हथियार उठा के इनको शूट करना स्टार्ट कर दूंगा। देखो दोस्तों, ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है गेम, इस गेम का खास मेन पार्ट है, जो भी सर्वाइवल गेम होता है उसके अंदर वही मेन पॉइंट होता है कि आप सबसे पहले लैंड करो, और लैंड करते जो भी सर्वाइव के साधन सामग्री होती है उसको आप ले लो, ठीक है, और जिससे आप सर्वाइव अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। तो अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कितने सारे बंदे उतरे, लेकिन इन सब बंदों से पहले मैं उतरा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास गन मिल गई, और आप देख सकते हो दोस्तों अभी मेरे पास 4 किल भी हो गए। तो दोस्तों, एक रीजन इस गेम में, काफ़ी सारे रीज़न है, तो चलिए मैं हो सके उतना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इस गेम के दौरान, तो आप लोग भी अच्छा खेल सकते हो, मेरे से भी अच्छा खेल सकते हो। और दोस्तों, जितने यूट्यूबर हैं ना जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं उनसे भी अच्छा खेल सकते हो दोस्तों। लेकिन इस गेम में बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रो प्लेयर, नूब प्लेयर। तो दोस्तों, ना तो इसमें कोई नूब है ना इसमें कोई प्रो प्लेयर है, क्योंकि दोस्तों सारे प्लेयर प्रो हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि एक अच्छा डिवाइस नहीं होता, हम लोगों के पास एक अच्छी रैम नहीं होती, और हमारा जो डिवाइस होता है उनके अंदर एक अच्छा प्रोसेसर नहीं होता, जिसकी वजह से लैग की वजह से हम जल्दी से नॉकआउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नूब हैं, अगर आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस आ जाए तो आप भी अच्छा खेल सकते हो, कम से कम 30-35 किल आप भी कर सकते हो, 20-25 किल कर सकते हो। और क्योंकि दोस्तों, आप जितने भी YouTube पे वीडियो देखते हो ये पबजी गेम प्ले के, भाई 30 किल 35 किल, ठीक है, इस तरह के जो वीडियो होते हैं दोस्तों, उन लोगों के पास एक अच्छे डिवाइस होते हैं, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन होता है। अगर नेटवर्क कनेक्शन की अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, तो उन लोगों की अगर आप पिंग पे ध्यान दोगे ना, तो उन लोगों की पिंग हमेशा 36, 40, 50 बस इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर हम इंडिया में इस गेम को खेलते तो हमारी पिंग कभी 100 से तो नीचे आती ही नहीं है, 110, 120, 150 ही अच्छी पिंग की बात करो, और दोस्तों खराब से खराब पिंग 500, 600 तक पहुंच जाती है हम लोगों की पिंग होती है वो। और बस यही सब रीज़न दोस्तों, एक तो हमारा पास एक अच्छा डिवाइस नहीं होता, डिवाइस के अंदर अच्छा प्रोसेसर नहीं है, और ऊपर से हमारी नेटवर्क की जो पिंग होती है वो भी अच्छी नहीं चल रही होती, तो कहाँ से हम इस गेम को अच्छे से खेल पाएंगे। तो दोस्तों, यही रीज़न है, इस गेम को प्रॉपर वे में खेलने के लिए एक आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं जैसे उतरा मेरे 4 किल हो गए और यहाँ पे 7 किल हो गए। तो आप लोग भी खुद भी इस चीज़ को काफ़ी बार पॉइंट आउट किया होगा, क्योंकि दोस्तों आप काफ़ी कोशिश करते हो भाई सबसे पहले उतरने की, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से तो काफ़ी स्पीड से नीचे आते हो, और जब आपका पैराशूट ओपन होता है ना तभी आपका पहला लैग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का पैराशूट ओपन होता है ना तब लैग, मतलब आप उस पैराशूट को मतलब कम से कम 3 से 4 सेकंड के लिए तो मतलब ना इधर मूव कर सकते हो ना उधर मूव कर सकते हो, एक ही जगह पर हैंग हो जाता है। तो दोस्तों, और वो एक जो कम से कम 3 से 4 सेकंड जो निकल गए ना, उसमें काफ़ी प्लेयर जिनका गेम चल रहा होता है ठीक ठाक, वो आपसे पहले नीचे उतर जाते हैं।
तो दोस्तों, और आप नीचे उतरने के बाद भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा आपका प्लेयर दीवारों के आर पार निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम हमारा गेम लैग हो चुका होता है और आप लोगों को कुछ ठीक से नहीं दिखाई देता। घर भी आप लोगों को पत्थर जैसे दिखाई देते हैं और उन पत्थरों के अंदर घुसते हो तब भी आप लोगों को वेपन्स मिल जाते हैं। तो यही रीजन है कि दोस्तों आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस होना जरूरी है इस गेम को। तो दोस्तों अभी तक मेरे यहाँ पे हो चुके हैं 9 किल और देखते हैं यहाँ सामने की साइड कोई घर पे है कि नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग पबजी का लेग फिक्स करने के लिए जीएफएक्स टूल का यूज कर सकते हो। जीएफएक्स टूल एक काफी एक अच्छा टूल है और आप लोगों की काफी हेल्प कर देगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि जीएफएक्स टूल से यार आईडी बैंड हो जाती है, तो दोस्तों जीएफएक्स टूल से आईडी बैंड नहीं होती, आपकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से आपकी आईडी बैंड हो सकती है और कुछ पबजी की कमियां है जिसकी वजह से हमारी आईडी बैंड हो सकती है। वैसे तो पबजी के अंदर 3 से 4 नए अपडेट आ चुके हैं लेकिन पबजी वालों ने इस चीज को फिक्स नहीं किया है। कोई भी बंदा यार ज्वेलर्स में भी आपकी कंप्लेंट कर देता है और आपके अकाउंट पे 3 से 4 कंप्लेंट इकट्ठी होती है तो पबजी आपके गेम को और आपकी गेम प्ले को कभी रिव्यू नहीं करता, वो सीधे उठा के ही आपका अकाउंट बैंड कर देता है। क्योंकि यार पबजी के पास अब इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर हो चुके हैं कि यार वो एक एक बंदे का यार गेम प्ले अगर रिव्यू करने बैठेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है कि किसी के अकाउंट पे 3 से 4 कंप्लेंट आ गई भाई, वो सीधा ही अकाउंट बैंड कर देता है। ये सबसे खराब चीज है पबजी के अंदर। और दोस्तों दूसरा, अगर आप जीएफएक्स टूल यूज कर रहे हो और आप किसी बंदे को बता देते हो या किसी बंदे को पता चल जाता है तो अगर वो आपकी कंप्लेंट करता है तो आपकी आईडी बैंड कर देता है। तो दोस्तों यही सारे रीजन है, वैसे जीएफएक्स टूल से आईडी बैंड नहीं होती। मैंने काफी बार यूज किया है और काफी सारे डिवाइस पर यूज करके देखा है। तो जीएफएक्स टूल आपका जो रिजोल्यूशन होता है बस उसको थोड़ा सा कम कर देता है, जैसे कि शेडो ऑन ऑफ कर देता है, और जो भी आपका मेन रिजोल्यूशन होता है वो जैसा आपका एंड्रॉयड के अंदर प्रोसेसर है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग वो आपको फ्रेम वगैरह आपको दिखाता है, मतलब रेंडरिंग करवाता है आपकी गेम की। तो बस वही सब है। और जीएफएक्स टूल से अकाउंट बैंड नहीं होता। जीएफएक्स टूल वैसे प्ले स्टोर पे पैड है, अभी शायद उसका 50 रुपीज समथिंग कुछ प्राइस है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल के जो दूसरे वीडियो हैं मैंने वहाँ पे बताया है कि आप लोग उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको प्ले स्टोर से बाय किया था, मैं किसी आप लोगों को क्रैक या मोड के बारे में नहीं बता रहा। ऑलरेडी मैंने उसको बाय किया था, उसकी की और मैंने उसका लिंक अपने जो जीमेल ड्राइव का अपलोड करके आप लोगों के लिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, उसके लिए एक दूसरा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो लोग वॉच कर सकते हो और उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों वैसे आप लोगों ने YouTube पे भी काफी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि भाई पबजी के अंदर ये ट्रिक वो ट्रिक, तो दोस्तों एक गेम के अंदर एक ट्रिक हो सकती है, दो ट्रिक हो सकती है, इस गेम के अंदर अब कुछ ट्रिक नहीं है। ये गेम अब एक सिंपल सा गेम है, ट्रिक एक ही है। आप लोगों के पास जिस दिन एक अच्छा डिवाइस आ जाएगा, ठीक है, और आप लोगों के पास थोड़ा सा अच्छा इंटरनेट तो सबके पास अच्छा है क्योंकि सब लोग जियो यूज करते हैं, लेकिन यार यहाँ पे एक डिवाइस थोड़ा, जो डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है ना वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। जिस दिन आप लोगों के पास एक अच्छा डिवाइस आ जाएगा उस दिन आप लोग भी दूसरों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लग जाओगे पबजी के। क्योंकि दोस्तों इस गेम में अब कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, सब कुछ ओपन है भाई। गन उठानी है, दुश्मन को शूट करना है, एनिमी को शूट करना है, सर्कल में जाना है और चिकन डिनर करना है, ये चीज सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो अब जो यूट्यूब पे जितने भी यार टिप्स एंड ट्रिक्स के जो वीडियो होते हैं ना, बस वो व्यू कमाने के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। और कोई इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बचा हुआ इस गेम के अंदर। और दोस्तों अगर आप लोगों को जो ये जो मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखा रहा हूँ, अगर आपको अपने चैनल पर अपलोड करके मोनेटाइजेशन ऑन करना है तो बिल्कुल आप मेरे जो गेम प्ले को आप यूज कर सकते हो। मैं क्रिएटिव कॉमन रखूंगा, किसी पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा और कोई भी भाई इस वीडियो को ले सकता है अपने कंटेंट में, चाहे पूरा यूज कर सकता है। मेरी आवाज म्यूट कर दियो और आप अपनी आवाज डाल के यूज कर लियो, क्योंकि दोस्तों पबजी के जितने भी वीडियो हैं सब अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और भाई उसका मोनेटाइजेशन ऑन करवाते हैं उससे और बस पैसे कमाते हैं, ठीक है। और क्रिएटिव कॉमन आप लोगों को मोबाइल के गेम प्ले नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को चाहिए तो मोस्ट वेलकम, ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ ये वीडियो तो गेम प्ले वाला। तो भाई दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पूरा गेम देखिए और भाई जितने किल होते हैं उतने आप लाइक करती हो। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों किसी अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।